स्टूडेंट, दिस इज़ द लेसन रिटन बाय हेलन केलर. हेलन केलर, द थ्री डैश टू सी. थ्री डैश टू सी बाय हेलन केलर. हेलन केलर 1880 to 1968 बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ एज द रिजल्ट ऑफ एन इलनेस व्हेन शी वॉज 19 मंथ्स ओल्ड. शी लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज एंड लेटर थ्रू द वॉइस lessons. She also communicated quite effectively through her writing in 1902. She published her autobiography, The Story of My Life. She also published several other books and many essays, as you will discover when you will read this essay. Keller had an exceptional insight into people's and the world around her. देखिए बेटा, एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें. हेलन केलर बचपन से, जब वो 19 मंथ की थी, तब से उसे एक इलनेस के कारण वो ब्लाइंड थी और डिफ थी. तब भी उन्होंने जो लर्निंग है, शी लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज से उन्होंने पढ़ना सीखा, ठीक है. और उसके बाद जो वॉइस लेसन्स थे, उससे उन्होंने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया और ग्रेट आथर बनी और राइटर बन गई वो. आज आपके साथ भी यही सेम चैलेंज है. आप तो, आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स कंप्लीट है, उसके बावजूद भी, और 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ आपके पास इतने ज़बरदस्त डिवाइसेस थे. हेलन केलर जिस ज़माने में थी, उस ज़माने में तो कंप्यूटर एंड्रॉइड्स की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. तब भी उन्होंने उनकी लर्निंग की, सीखने की जिजीविषा, इच्छा, जिज्ञासा ने उनको इतना आगे बढ़ा दिया कि आप आज वो दुनिया में उनको पढ़ा जाता है. उन्होंने कैसे सीखा? वॉइस लेसन से सीखा. आपके पास तो पिक्टोरियल लेसन है, वीडियो है, एनिमेशन से, यूट्यूब पढ़ा है, तब भी आप नहीं सीख पा रहे और आपको रुचि नहीं है सीखने में, तो ये बड़ी विडंबना है. मैं फिर से आपके बुक के थ्रू चल रहा हूँ. थ्री डैश टू सी, तीन दिन मुझे देखने को मिल जाए. हेलन केलर 1880 to 1968. थ्री डैश टू सी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफी. थ्री डैश टू सी जो पाठ आपके इसमें लिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये उसका हिस्सा है, उसमें से एक अंश मात्र है ये हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी में से, स्वरचित जीवन परिचय में से. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पेजेस वी रियलाइज व्हाट वंडरफुल लेडी शी मस्ट हैव बीन. ऑल्दो शी हैड टर्न्ड टोटली ब्लाइंड, डिफ एंड डम आफ्टर अ सीरियस इलनेस व्हेन शी वॉज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, शी टुक करेज एंड ब्रेवली फेस्ड द ऑड्स ऑफ लाइफ. जब पन्ने पलटते जाएंगे, पन्ने पलटने का मतलब है कि आप इसको पढ़ते जाएंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी अच्छी भद्र महिला थी वह. जबकि वो बिल्कुल जन्मांध थी, 19 मंथ से बहरी थी, डीप थी, डम्ब थी, गूंगी थी. 19 मंथ की एज में उनको बीमारी हो गई थी उसके कारण, परंतु उन्होंने अपना साहस और प्रयास दोनों नहीं खोए और जीवन के जितने संघर्ष थे उनको पार किया. अंडर द लविंग केयर एंड एबल गाइडेंस ऑफ हर टीचर मिसेस सुलेवन, शी लर्नड टू रीड, राइट एंड एवन स्पीक. और ये काम क्यों कर पाई? लविंग केयर ऑफ मिसेस सुलेवन उसकी टीचर थी, उसने उसको उस चैलेंज को, उस बालिका हेलन केलर जो बालिका रही होगी उस टाइम, उसकी उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसको पढ़ना, लिखना और बोलना तक सिखाया. शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज इन 1904. वो ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड का मतलब है कि कॉलेज में आपने 3 ईयर्स स्टडी करके डिग्री हासिल करना. शी पब्लिश सेवरल बुक्स. उन्होंने, हेलन केलर ने बहुत सारी पुस्तकें पब्लिश की, प्रकाशित करवाई.
मतलब खुद लिखी, प्रकाशित करवाई। हर वेरी लाइफ एंड अचीवमेंट्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड प्रूव दैट द करेज एंड द डिटर्मिनेशन कैन अनेबल अस टू ओवरकम ऑल अवर हैंडीकैप्स। उनके जीवन में जो सफलताएं उन्होंने अर्जित की, जिस तरीके के अचीवमेंट्स उन्होंने लिए हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और वो प्रूव करते हैं, ये सिद्ध कर दिया उन्होंने कि उत्साह, लक्ष्य का डिटर्मिनेशन, वो हमको सारी आपकी, चाहे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से अगर आप में कोई कमी है तो उस कमी को ओवरकम कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो और दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति की तरह आगे निकल सकते हो और उससे बेहतर काम कर सकते हो। एंड दिस पोर्शन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी शी रिलेट्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ शी वुड लाइक टू स्पेंड द 3 days विथ हर आई साइट रिस्टोर्ड। ऑटोबायोग्राफी के इस पोर्शन में बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने कहा है कि यदि मुझे 3 दिन आँखों के साथ मिल जाए, ईश्वर मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं 3 दिन तक चीज़ों को देख सकूँ और उसके बाद वो मेरी दृष्टि वापस ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस पीस ऑफ आवर ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर्स अस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर सेंसेस एंड एन्जॉय द थैंकफुली ऑल द फैसेट्स ऑफ द वंडर ब्यूटी एंड प्लेजर स्प्रेडिंग अराउंड अस। उनकी ऑटोबायोग्राफी का ये अंश हमको बताता है कि हमको हमारी इंद्रियाँ और इंद्रियातीत ज्ञान को हम किस तरीके से उपयोग करना चाहिए और किस तरीके से उसका आनंद लेना चाहिए। जो चीज़ें हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है, प्रकृति, और उसका आनंद आप आपके आँखों से, कानों से अच्छी चीज़ें सुनकर, आँखों से अच्छी चीज़ें देखकर और जीवा से बहुत अच्छी चीज़ें बोलकर, अच्छी चीज़ों का स्वाद लेकर और अच्छा स्पर्श